हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा मेहरा शॉर्ट्स। तो आज मैं अपना लुक क्रिएट कर रही हूँ रक्षाबंधन में। सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर टोनर। टोनर को मैंने अच्छे से लगा लिया है और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं सीरम। सीरम लगाने से जो आपके फेस में ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगता है। सीरम आपको एकदम हल्के हाथों से अपने फेस पे लगाना है मसाज करते हुए, जिससे कि जितना भी सीरम आपके फेस पे है वो फेस के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। सीरम लगाने से फेस पे ग्लो भी आ जाता है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर मॉइस्चराइज़र। मैं इवनिंग के लिए तैयार हो रही हूँ इसलिए यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अगर आप डे पे मेकअप करते हैं तो आप सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। जब भी आप सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र लगाएं तो अपने फेस पे मसाज करते हुए बहुत ही अच्छे से लगाएं। मेकअप के पहले मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपके मेकअप को पैची और क्रैकी होने से बचाता है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आपके फेस पे फाउंडेशन, कंसीलर सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाती है। मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र इसी तरीके से लगाती हूँ क्योंकि मेरी डबल चीन है तो थोड़ा सा मसाज फेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपका फेस मेकअप के लिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब लगा रही हूँ मैं यहाँ पर प्राइमर। आपको एकदम स्मॉल क्वांटिटी में लेना है प्राइमर और उसे अपने पूरे फेस पर लगा लेना है, क्योंकि वो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मेरे फेस पे आँख के नीचे थोड़े से डार्क सर्कल हैं तो इसलिए मैं प्राइमर के बाद लगाऊंगी यहाँ पर NYBA का कंसीलर। कंसीलर का सेट मैंने अपने फेस टोन का ही लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कंसीलर भी कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरे आईज़ के नीचे। देन मैं अप्लाई करूँगी NYBA का फाउंडेशन। NYBA का फाउंडेशन बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर का होता है और मैं मॉइस्चराइज़र हमेशा एक शेड लाइट ही यूज़ करती हूँ। जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो नेक पे भी ज़रूर थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ कीजिए, जिससे कि नेक और फेस का कलर सेम लगेगा। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन फेस पर कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। फेस को मॉइस्चराइज़र से सेट करने के बाद आप फेस पर जब भी कुछ भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा और मेकअप कभी भी केकी सा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ फेस पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और ये कितना ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है। और इसी तरीके से मैं अपने पूरे फेस और नेक में फाउंडेशन ब्लेंड कर लूँगी। जब भी मैं नॉर्मल मेकअप करती हूँ, जब मुझे पार्टी वगैरह पे नहीं जाना रहता या कभी हैवी मेकअप नहीं करना होता, तो मैं मेकअप इसी तरीके से करती हूँ और इसी स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। अगर आपको मेकअप करना नहीं आता और आप मेकअप करना सीखना चाहते हो या सीख रहे हो तो आप ये नॉर्मल से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं अपने फेस के लिए। आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे फाउंडेशन पूरे अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और बिल्कुल भी केकी सा फील नहीं हो रहा है। अब उसके बाद अप्लाई करूँगी मैं यहाँ पर आईलाइनर। आईलाइनर मैं कैमरे से अप्लाई नहीं कर सकती थी क्योंकि वो थोड़ा सा बिगड़ जाता, तो मैंने मिरर पे जाके आईलाइनर लगाया। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर NYBA का ही काजल, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। काजल लगाने के बाद मैं यूज़ करूँगी अपना कॉम्पैक्ट फेस पाउडर। मैं हमेशा काजल और लाइनर लगाने के बाद ही अपना कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। देन मैं अप्लाई करूँगी कॉन्टोर। मैं अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं दिखाना चाहती, इसलिए मैं बहुत ही हल्का सा ही यूज़ करूँगी कॉन्टोर। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर हाइलाइटर। मैंने गोल्डन सेट का हाइलाइटर यूज़ किया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट मेकअप चाहिए था इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बहुत हल्की हल्की सी यूज़ करी है। देन मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर पिंक कलर की लिपस्टिक। मेरी साड़ी का कलर पिच कलर है बट पिच कलर की लिपस्टिक मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने ये वाली लिपस्टिक यूज़ करी। और ये लिपस्टिक भी NYBA की ही है। आप देख सकते हो कि मेरी लिपस्टिक बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी सिंदूर।
यहाँ पर मैं कैमरे में ही देख के लगा रही हूँ सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद मैं पहनने वाली हूँ अपना मंगलसूत्र। आज मुझे मंगलसूत्र चेंज करना था फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। और गाइज, मैं सिर्फ मंगलसूत्र ही पहनूंगी, मैं इसके साथ कोई भी नेकलेस वगैरह नहीं पहन रही। उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी इयररिंग्स, जो कि गोल्डन कलर की है। मुझे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मेकअप अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बहुत ही कम बोल्ड मेकअप करती हूँ। अगर आप लोगों को बोल्ड मेकअप लुक चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ट्राई करूँगी। देन मैंने यहाँ पर अप्लाई की छोटी सी गोल्डन कलर की बिंदी। बिंदी लगाने के बाद फेस का मेकअप लुक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पहनने वाली हूँ अपनी साड़ी से मैचिंग गोल्डन और पिच कलर की चूड़ियाँ। फेस्टिवल्स पे आप तैयार हो और आप कांच की चूड़ियाँ ना पहने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा अपने ड्रेस साड़ीज के कलर के हिसाब से चूड़ियाँ पहनती हूँ। अब यहाँ पे पहनने वाली हूँ मैं अपनी छोटी सी गोल्डन की रिंग, जिससे कि मेरा हाथ खाली ना लगे। आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ, बस मुझे सिर्फ साड़ी ही पहननी है। और गाइज, ये था मेरा पूरा लुक। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मेरा मेकअप साड़ी के अकॉर्डिंग कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा ब्लॉग देखने के लिए रिचेश मेहरा ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।